अब की बार का वायरस बहुत तेज है संक्रमण में, इसका स्प्रेड जो है बहुत फास्ट है। और उसके साथ दूसरी चिंता का विषय यह भी है कि संक्रमण तेज है, यही बात पूरी नहीं है, इससे आगे बढ़कर के इसकी फैटलिटी यानी कि मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। और ऐसी सूरत में हमको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ और आगे काम करना होगा। हमने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए 1 तारीख तक 1 मई तक। हमने स्कूल कॉलेज के साथ साथ में वहां के जो मैट्रिक के प्लस टू के और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए हालात को देखते हुए। हमने उसके बाद आगे बढ़ करके जो शादियों में जो है बड़ी धाम का आयोजन पर बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक लगा दी, सिर्फ 50 आदमी से ज्यादा शादी में कोई लोग नहीं होंगे। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में और भी चीजों को लेकर के हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जैसे बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन होगी, दफ्तरों में हमने तय किया कि दफ्तरों में 50% अटेंडेंस होगी, 50% लोग आएंगे क्योंकि वहां पर भी क्राउड होने लगा। और इसके अलावा हमने सैटरडे संडे जो है, शनिवार और रविवार को है वो वर्किंग डे जो है वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि 2 दिन छुट्टी करेंगे ताकि ये चेन को हम ब्रेक कर सकें। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हमने, इसलिए हम आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। समाज को जागरूक करना ये महत्वपूर्ण है, समाज के बीच में ये जानकारी देना कि मास्क पहनना ही पहनना है, ये बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में जो हमने लागू किए हैं नियम, उन नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी आप लोगों की, अपने अपने नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में अपने जितने भी काउंसलर है सुनिश्चित करें। और ऐसी परिस्थिति में आपकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ रहें, आपके जो है वो सारे नगर परिषद, नगर पंचायत और सारे प्रदेशवासी भी स्वस्थ रहें, और उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपना ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस दायित्व का निर्वहन हम सब लोगों को करना है। इसके लिए मैं विनम्र आप सबके बीच में आग्रह करके अपनी बात पूरा करता हूं।